अबकी बार हमें घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजय बनाकर अबकी बार घनश्याम सिंह लोधी को हम भारी मतों से यहाँ से विजय करके अबकी बार घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजय बना अबकी बार हम घनश्याम लोधी को घनश्याम लोधी जी को हम अपने यहाँ से भारी मतों से जिताकर सांसद हमारे घनश्याम लोधी जी होंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुमार अभिषेक कुमार, ग्राम प्रधान जी। कैसा प्रधान, मतलब कैसा वो देखना चाहते हैं आप सांसद? सांसद हम घनश्याम सिंह लोधी जी जैसा देखना चाहते हैं, जो एक कर्मठ जुझारू नेता है। नमस्कार, मैं हूं काजल रस्तोगी और आप देख रहे हैं पीआर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के मिलक में और यहां पर अभी घनश्याम सिंह लोधी जी का काफला पहुंचा था। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था और हम जनता के बीच मौजूद हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी राय। सर बताइए। घनश्याम सिंह लोधी बहुत बढ़िया नेता है और विकास कार्य भाजपा सरकार जो कर रही है, तो हमारा मानना है कि इस बार भी घनश्याम सिंह लोधी ही जीतेंगे और हम सब लोग मिलकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएंगे, क्योंकि भाजपा सरकार एक खराब रही सत्ता में खराब हो रहा है। और मेरा मानना है ये हिसाब से सरकार विकास करा रही है, गांव-गांव गरीबों के लिए मतलब जल की व्यवस्था करा रही है, ट्यूबवेल है, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल सही है। पहले बिजली नहीं आती थी, लोगों को समस्या होती थी, अब तो मेरे ख्याल से 20-22 घंटा बिजली भी हमें मिल रही है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उनका आपको लाभ मिला है? पूरा लाभ मिला है और मेरे हिसाब से हर एक परिवार को पूरा लाभ मिला है। राशन का जो वितरण हो रहा है वो हर एक परिवार को मतलब उसके घर पहुँच रहा है। गरीब से गरीब आदमी कोई भी इस सरकार में धोखा नहीं मिल रहा है। तो आप खुश हैं इस सरकार से? बिल्कुल खुश हैं और खुश भी हैं और आगे भी हम जो है घनश्याम सिंह लोधी को ही सांसद यहाँ से बनाएंगे। ये थे हमारे बीच मौजूद, आइए दूसरों से बात कर लेते हैं। जी बताइए सर, क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। बताइए कि घनश्याम सिंह लोधी जी यहाँ आए थे, किस तरीके का आप उन्हें प्यार दे रहे हैं? 100% प्यार। यहाँ पर बीजेपी सरकार देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये हमारे बीच और लोग हैं मौजूद हैं। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयशंकर। पक्के बीजेपी के यहाँ बीजेपी के रहते हैं, हम वोट ही बीजेपी के डालते हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या किया? वो सब कुछ किया हमारे लिए। क्या क्या दिया? हम सब कुछ मिल रहा है, 2000 मिल रहे हैं, वो जो राशन भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहे हैं और सड़कों की जिस तरीके की खराब सड़कें भी हमारी बराबर समझ रही है। तो इस बार वोट किसे जाएगा? बीजेपी को जाएगा। बताए सर, ये जिस तरीके से भी घनश्याम मोदी जी आए थे, किस तरीके का आप लोग प्यार दे रहे हैं? पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो आप जो वोट है वो उन्हें देंगे? योजनाएं मिल रही हैं आपको? सारी सब योजनाएं मिल रही है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन भी मिल रहा है और पेंशन भी मिल रही है। अच्छा, पेंशन भी मिल रही है। तो इस बार वोट किसे जाएगा? बीजेपी। बताए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमपाल जी। सर सोमपाल राठौर जी, ये बताएं कि घनश्याम लोधी जी के सपोर्ट में आप? हाँ, घनश्याम लोधी जी के सपोर्ट में है, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। क्या आपको लाभ मिला है? सारी लाभ मिला है, 2000 राशन मिल रहा है, और रोड भी हो रहा है, सड़क भी है, गाँव आरसी बन रही है, टंकी भी लगी, पानी की घर पहुँचाने का वादा किया है, पानी पहुँच रहा है। वादा किया है? नहीं, पहुँच रहा है, पहुँच रहा है, पहुँचाने पूरा चला। मतलब आप उनके साथ? उनके साथ। इस बार वोट बीजेपी को देंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मथुराल पास। किस तरीके से यहाँ पर, जैसे कि अभी यहाँ पर काफिला पहुँचा था और अखिलेश यादव जी के भी समर्थन में खड़े हैं, क्या नाम है, आसिम रजा जी, तो उनको आप वोट देंगे कि अपने घनश्याम सिंह लोधी? आज से नहीं, हम घनश्याम लोधी को पहले भी वोट दिए जी, ठीक है। और हमारा गांव बीजेपी को, इसका जो रामपुर जिला पड़ता है पूरा, तो जब पोलिंग चलती है तो हमारा गांव फतवा आज तक रिकॉर्ड अभी जो पोलिंग हुआ है इलाके का, तो हमारे गांव के व्यक्ति जो लड़ाई लड़ रहे थे अलग बाजी है, उनको तो सब खुश हैं। ये थी जनता की राय, जनता हमारे साथ मौजूद थी, उनकी राय हमने आपके सामने रखी।